तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रियल एनालिसिस। ये आपका फर्स्ट लेक्चर है रियल एनालिसिस का, और हम स्टार्ट करेंगे सेट्स की डेफिनेशन से। और बेसिकली आप कह दो कि थोड़ा सा रिवाइज सा करेंगे पहले, जो आपने 11th 12th तक पढ़ा हुआ है या ग्रेजुएशन में भी थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। जो मेन मकसद है हमारा जो है, जो भी टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं उसका जो एंड होगा इस टॉपिक का, वो एंड होगा काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट समझने में। क्योंकि उस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि किसी प्रकार का एक सेट डिफाइन करके और बोल दे कि भाई इस सेट में कितने पॉइंट हैं, काउंटेबल हैं कि अनकाउंटेबल हैं। तो ये बहुत ही फंडामेंटल कंसेप्ट है जो सबको पता होना चाहिए, तो इसलिए हम ये करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जब हम ये पूरा टॉपिक ख़त्म कर चुके होंगे, इसमें आई थिंक 3 से 4 लेक्चर्स आपके समझ लो लग जाएंगे। तो जब हम ये पूरा ख़त्म कर चुके होंगे तो हम जो है काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट्स के बारे में जो है जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनके उत्तर देने के लायक बन चुके होंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो ये आपका बेसिकली सेट से स्टार्ट कर रहे हैं हम, ये रियल एनालिसिस है। और रियल एनालिसिस आपके जैम के सिलेबस में ये समझ लीजिए कि लगभग 40% जो है कवर करता है, ठीक है ना। और जो आपका नेट का है, नेट में जो है इसमें आते हैं क्वेश्चंस आपके 50 to 60 मार्क्स के हर बार, ठीक है ना। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं रियल्स। और सेट की डेफिनेशन सबसे पहले लिखिए, व्हाट इज अ सेट। सो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। ये आपकी सेट की परिभाषा है। और नोट, द ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द सेट और मेंबर्स ऑफ द सेट। जैसा कि आपने कहा कि व्हाट इज अ सेट, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो जो सेट में जो ऑब्जेक्ट हैं उन ऑब्जेक्ट्स को जो है हम सेट के एलिमेंट्स या सेट के मेंबर्स कहा करेंगे, ठीक है ना। ओके, नोट टू, अ सेट इज यूजुअली डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर्स। ठीक है ना। ओके, थर्ड, एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स हमको पता है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एलिमेंट्स कहेंगे। एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर यूजली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, ठीक है। तो एलिमेंट जो है सेट में वो स्मॉल लेटर से डिनोट किए जाएंगे, सेट जो है वो कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट नोट लिखिए, नोट, सिंस एम्प्टी कलेक्शन इज ऑल्सो वेल डिफाइंड, देयरफॉर एम्प्टी कलेक्शन इज ऑल्सो अ सेट एंड इट इज डिनोटेड बाई
5 और दिस एम्प्टी कलेक्शन, मतलब कह रहे हैं, आप खुद ही कह रहे हैं ये कलेक्शन में कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है कलेक्शन, तो ये भी अपने आप में एक वेल डिफाइंड एलिमेंट है ना। अच्छा, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। जब आप कहते हो कि वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो वेल डिफाइंड का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपको एक नियम पता है जिससे आप ये कह पाएं कि कोई गिवन एलिमेंट सेट में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। वेल डिफाइंड का मतलब यही है कि अगर मैं कहूँ कि एस मेरा एक सेट है, तो वहाँ पे जो वेल डिफाइंड वाली चीज़ है वो आपको ये बताएगी कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये एलिमेंट सेट का मेंबर है या नहीं, तो आप बता पाएंगे बाई दैट रूल, ठीक है ना। तो अब क्योंकि मैं एम्प्टी कलेक्शन कह रहा हूँ, तो मुझे पता है कि आप कुछ भी दे वो हमारे सेट का एलिमेंट नहीं है, तो हमारा जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड है ना। तो इसलिए एम्प्टी कलेक्शन जो है वो भी एक सेट होता है, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। इसको डिनोट करते हैं फाई से या करली ब्रैकेट जिसमें कुछ भी ना हो, है ना, दो करली ब्रैकेट्स जिनमें कुछ भी ना हो अंदर। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट इज ऑफ सबसेट्स। सो लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स, देन वी से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ एवरी मेंबर ऑफ ए इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ बी। तो मैं कहूंगा कि ए बी का सबसेट है, तो ऐसे लिखना चाहिए मुझे, देन वी से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड वी राइट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, है ना। मतलब कहेंगे कि ए बी का सबसेट है और उसको लिखेंगे ऐसे। तो अगर मैंने ऐसे लिखा हुआ, इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि ए बी का सबसेट है। तो मैं कब ऐसा कहूंगा कि ए बी का सबसेट है, जब ए का हर मेंबर बी का भी एक मेंबर हो, ठीक है ना। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी ऑल्सो, ठीक है। अब इसमें आप एक नोट लिख सकते हैं कि, या पहले आप ये डेफिनेशन लिख लीजिए, इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स। सो टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो अगर ए का हर एलिमेंट बी का एलिमेंट है और बी का हर एलिमेंट ए का एलिमेंट है, तो मैं कह दूंगा कि ए और बी दो बराबर सेट हैं, एंड वी राइट ए इज इक्वल टू बी। तो दो सेट बराबर कब कह जाएंगे बेटा, जब दोनों एक दूसरे के सबसेट्स हों। तो बेसिकली हम यही कह रहे हैं, चाहे तो आप इसको दैट इज करके लिख लो कि टू सेट्स दैट इज टू सेट्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे आर सबसेट्स ऑफ ईच अदर। दो सेट्स इक्वल होंगे जब एक दूसरे के सबसेट्स हो, ठीक है ना। नेक्स्ट, प्रॉपर सबसेट का क्या मतलब है। सो अ सेट एक्स इज सेट टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट वाई इफ पहला एक्स इज कंटेंड इन वाई एंड दूसरा एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। तो अगर एक सेट ऐसा है जो कोई सेट एक्स ऐसा है जो वाई में कंटेन तो है, मतलब एक्स का हर एलिमेंट वाई का एलिमेंट तो है, पर एक्स खुद वाई के बराबर नहीं है, मतलब वाई का हर एलिमेंट एक्स का एलिमेंट नहीं है, वाई में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो एक्स का एलिमेंट ना हो, ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे कि एक्स जो है वो वाई का प्रॉपर सबसेट है, एंड वी राइट, नोटेशन इसके लिए क्या है, ये है, हम ये लिखा करेंगे कि एक्स इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ वाई, ऐसे, या कहीं कहीं ऐसे भी लिखते हैं एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई बट एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। तो हम ज़्यादातर ये यूज़ करेंगे, ये वाला यूज़ नहीं करेंगे। तो प्रॉपर सबसेट का ये मतलब है, ठीक है ना। तो आप ये नोट भी लिख सकते हैं आगे, नोट
empty set is a subset of every set. क्योंकि empty set में कुछ भी नहीं है, तो empty set में कुछ भी नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, आप empty set में कोई भी element ऐसा नहीं दिखा पाओगे जो आप किसी भी given set में ना दिखा पाओ। कहने का मतलब empty set का हर element हर set में contained है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं तो बताओ फिर कौन सा है empty set में element जो नहीं contained है किसी given set में, है ना। तो backwardly कह देंगे हम कि empty set जो है वो हर एक set का subset होता है, ठीक है ना। तो phi is contained in every set। नेक्स्ट है आपका पावर सेट। सो लेट ए बी एनी सेट, देन पावर सेट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय पी ए एंड पी ए इज डिफाइंड एज या डिफाइंड टू बी द कलेक्शन ऑफ और द सेट ऑफ मोर प्रिसाइसली द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। तो एक सेट के सारे सबसेट्स का जो कलेक्शन है वो भी एक सेट बन रहा है, और उस सेट का नाम हम क्या रख रहे हैं बेटा, उस सेट का नाम रख रहे हैं पावर सेट ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल अगर ए आपका सेट होता, सपोज करो एम्प्टी सेट, तो फिर आपके पावर सेट में केवल एम्प्टी सेट आता, सिंगलटन होता, है ना। अगर ए आपका सपोज करो सेट होता ए बी, तो पावर सेट में ए के सारे सबसेट्स, तो एक तो फाई क्योंकि हर एक का सबसेट होता है तो फाई तो डेफिनेटली आएगा, उसके बाद इसका एक सबसेट है सिंगलटन ए, इसका एक सबसेट है सिंगलटन बी, और इसका एक सबसेट है ए कॉमा बी। अगर आपका ए होता सपोज करो ए बी सी, अगर ए होता आपका ए बी सी, तो उस केस में पावर सेट ऑफ ए क्या आता, उस केस में आपका पावर सेट ऑफ ए आता फाई सिंगलटन ए सिंगलटन बी सिंगलटन सी ए कॉमा बी ए कॉमा सी बी कॉमा सी एंड ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप किसी सेट के सारे सबसेट्स का एक सेट बना दो, उसको पावर सेट ऑफ दैट सेट कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका कंसेप्ट जो है वो है फंक्शंस। सो लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन अ फंक्शन एफ, या कह दो अ फंक्शन एफ from A to B is a rule that associates every element of A with a unique element of B। तो फंक्शन जो है क्या होता है, एक नियम होता है। अगर मैं कह रहा हूँ कि f एक फंक्शन है a से लेकर के b तक, इसका मतलब f एक रूल है जो आपको बताएगा कि a का हर एलिमेंट कैसे b के एलिमेंट से एसोसिएट हो रहा है। दूसरा, ये रूल ऐसा होना चाहिए जो a के हर एलिमेंट को b के किसी एक ही एलिमेंट से जो है एसोसिएट करे, ठीक है ना। a के हर एलिमेंट को b के किसी एक ही एलिमेंट से, यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट करे। हर एलिमेंट मतलब सबको एक पे ना भेज दे, मतलब करिस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट इन a देयर इज अ यूनिक एलिमेंट इन b, है ना। करिस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट इन ए देर इज अ यूनिक एलिमेंट इन बी, है ना, सच दैट बाय दैट रूल एफ ए इज एसोसिएटेड विद बी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो अगर मैं ए को एक सेट ले लूं, वन माइनस वन टू माइनस टू थ्री माइनस थ्री जस्ट अज्यूम, और बी को मैं सेट ले लूं सपोज कीजिए 1 4 9 16 25, एंड सपोज मैं
रूल ये बता रहा हूं कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद इट्स स्क्वायर इन बी. सपोज करो दिस इज द रूल दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद इट्स स्क्वायर इन बी. सो इफ दिस इज द रूल, इफ दिस इज द रूल एफ, देन वॉट डज दिस एफ डू इज 1 माइनस 1 2 माइनस 2 3 माइनस 3 एंड हियर वी हैव 1 4 9 16 25. सो 1 इज एसोसिएटेड विद इट्स स्क्वायर, माइनस 1 इज एसोसिएटेड विद इट्स स्क्वायर, माइनस 2 एंड 2 एंड 3 एंड माइनस 3 दे आर ऑल एसोसिएटेड विद देयर रिस्पेक्टिव स्क्वायर्स. सो दिस इज हाउ दिस एफ वर्क्स. ये जो एफ है वो ए के हर एलिमेंट को देखो ध्यान से तो बी के एक यूनिक एलिमेंट एलिमेंट से एसोसिएट कर रहा है, ठीक है ना. तो इस बात को कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद इट्स स्क्वायर इन बी, हम ऐसे भी लिखते हैं कि इफ एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए देन एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर. तो ये पूरा शब्दों में लिखने की बजाय इस प्रकार से मैथमेटिकली लिख देते हैं कि हर एक्स कहाँ जो है एसोसिएट कर रहा है एफ उसको, उसके स्क्वायर पे. मतलब एफ जो है एक्स को कहाँ एसोसिएट कर रहा है, एक्स स्क्वायर पे. तो वन को कहाँ एसोसिएट करेगा, बेसिकली एफ क्या कर रहा है, एफ कर रहा है एक्स को एक्स स्क्वायर पे एसोसिएट. तो वन को कहाँ करेगा बेटा, वन स्क्वायर पे. टू को कहाँ करेगा बेटा, टू स्क्वायर पे. थ्री को कहाँ करेगा बेटा, थ्री स्क्वायर पे. माइनस वन को कहाँ करेगा एसोसिएट, माइनस वन स्क्वायर पे. टू को कहाँ करेगा, सॉरी माइनस टू को कहाँ करेगा, माइनस टू स्क्वायर पे. माइनस थ्री को कहाँ करेगा, माइनस थ्री स्क्वायर पे. इस प्रकार से, ठीक है ना. तो ये जो है, सो फंक्शन इज रूल कैसे काम करता है वो हमने एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की. अब आप कुछ नोट लिख लीजिए. नोट If f is a function from a to b, then we write, what do we write? This. So this expression means that f is a function from a to b, or we sometimes also write this. But this notation is less used. Most of the time we'll use only this one. So if I have to say that f is a function from a to b, I will write simply this, f such that a arrow b, and this will stand for that f is a function from a to b. This will also stand for the fact that f is a function from a to b, right. Is prakar se. तो ये आपने देखा कि अगर f जो है a से b तक फंक्शन है तो उसका क्या मतलब है, कैसे लिखेंगे, ठीक है ना. अब नेक्स्ट नोट में लिखिए, अगर f a से b तक फंक्शन है देन a इज कॉल्ड डोमेन ऑफ f एंड b इज कॉल्ड को डोमेन ऑफ f, ठीक है ना. ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ एफ एंड बी इज कॉल्ड को डोमेन ऑफ एफ. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फंक्शन ये डिफाइन कर रहा हूं जो अभी हमने किया था, आई थिंक पता नहीं, मान लो यही तक है, हो सकता है सेट 25 भी मैंने लिखा हो. सपोज आई एम डिफाइनिंग दिस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, then this set is domain and this set is codomain, then a is equal to plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 is domain and b is equal to 1 4 9 16 is codomain, ठीक है ना. a को domain कहते हैं, b को codomain कहते हैं. इसके अलावा एंड द सेट
एफ ए इक्वल्स एफ एक्स सो दैट एक्स बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड रेंज ऑफ ए। ये जो सेट है एफ ए जहाँ पे एफ एक्स टाइप के एलिमेंट कंटेन किए जा रहे हैं, मतलब बेसिकली आप क्या करो एक्स के एलिमेंट पे एफ लगा रहे हो जो उनकी इमेज आ रही है उसको आप सेट में कलेक्ट करते जा रहे हो, तो ए की एलिमेंट्स की इमेजेस का जो कलेक्शन है अंडर एफ उसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ ए रेंज ऑफ एफ, और इसको एफ ए से डिनोट करते हैं या इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाई दीज थिंग्स आर एफ और रेंज एफ। तो जैसे जो सहूलियत हो वो आप लिखो, ये भी नोटेशन रेंज की है, ये भी है, ये भी है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए आप अगर प्रीवियस एग्जाम्पल में ही देखो तो इन प्रीवियस एग्जाम्पल व्हाट डू वी हैव द रेंज ऑफ एफ इज नथिंग बट 1, 4, 9, ठीक है ना। तो इस प्रकार से नेक्स्ट नोट लिखिए, नेक्स्ट नोट, अगर एफ ए से लेकर के बी तक फंक्शन है और एफ ए बराबर बी है देन बी इज कॉल्ड इमेज ऑफ ए अंडर एफ एंड ए इज कॉल्ड इनवर्स इमेज ऑफ बी अंडर एफ। तो अगर एफ ए इक्वल टू बी है तो हम बोलेंगे बी ए का इमेज है अंडर एफ और ए जो है वो बी का इनवर्स इमेज है अंडर एफ, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट नोट, अगर एफ ए से लेकर के बी तक फंक्शन है देन फॉर एनी सबसेट सी ऑफ बी एफ इनवर्स सी इज द कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स इन ए दैट हैज देयर इमेजेस इन सी। तो एफ इनवर्स सी क्या होगा, ए के उन एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा जिन पे एफ लगाओ तो कहाँ बिलोंग कर जाए, वो सी में बिलोंग कर जाए, ठीक ना। तो ये होगा आपका एफ इनवर्स सी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं जैसे मैंने यही एग्जाम्पल आपका यही एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हमने अभी लिखा था, तो मान लो एफ आपका फंक्शन है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 से लेकर के 1, 4, 9, 16 चलो 25 भी ले लेते हैं और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सपोज आई एम कंसिडरिंग दिस फंक्शन एंड सपोज आई एम टेकिंग सी टू बी 1 सिंगलटन 1 then what will be f inverse c, f inverse singleton 1 मतलब f inverse c आपका उन x के एलिमेंट का कलेक्शन होगा, a के एलिमेंट का कलेक्शन होगा जिनके लिए एफ एक्स जो है वो सिंगलटन 1 में आए, मतलब बेसिकली उन a के एलिमेंट का कलेक्शन है जिनके लिए एफ एक्स खुद ही 1 हो जाए क्योंकि इस सेट में एक ही एलिमेंट है तो एफ एक्स 1 ही होगा। तो बेटा कौन कौन से एलिमेंट है a में जिन पे एफ एक्स 1 दे रहा हो, एक तो 1 है और एक माइनस 1 है, तो अगर सी आपने सिंगलटन 1 लिया तो एफ इनवर्स सी आपका आ गया बेटा 1, -1। इसी प्रकार से अगर आप सी को लेते 4 तो आपका जो एफ इनवर्स सी है वह आ जाता 2, -2। अगर आप सी को लेते नेक्स्ट एग्जांपल, अगर आप सी को लेते 1, 4 तो जो आपका एफ इनवर्स सी है वो आ जाता ±1 and ±2। अगर आप सी को लेते 16 and 25, अगर आप सी को लेते सपोज करो सी इज द सेट 16 and 25 देन वी हैव टू सर्च फॉर दोज एक्स बिलोंग्स टू ए सो दैट एफ एक्स बिलोंग्स टू द सेट 16, 25 दैट मीन्स ए के उन एलिमेंट्स का कलेक्शन
जिनके लिए एफ एक्स या तो 16 हो या फिर एफ एक्स जो है वो 25 हो। तो कौन से एलिमेंट हैं ए के, ए आपका यही सेट है, ये आपका ए है डोमेन और ये कोडोमेन बी है, ए में कौन से एलिमेंट है जिन पे एफ लगा दो तो 16 आ जाए या 25 आ जाए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो एक भी एलिमेंट नहीं है, मतलब एफ इनवर्स सी जो है वो फाइव आ गया, एफ इनवर्स सी जो है आपका फाइव आ गया, ठीक है ना। तो इनवर्स इमेज ऑफ अ सेट का मतलब क्या होता है वो आपने देख लिया। इनवर्स इमेज ऑफ अ सी का मतलब होता है कि डोमेन में वो सारे एलिमेंट एक्स जिन पे एफ एक्स अगर आप इवेल्युएट करो, मतलब एफ एक्स की वैल्यू अगर निकालो तो वो जो है वो सी का एलिमेंट बन जाए, ऐसे सारे एलिमेंट जो है वो एफ इनवर्स सी में आते हैं, ठीक है। अब आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर एफ जो है वो एक्स से वाई तक कोई फंक्शन है और अगर E1, E2 जो है मान लो सबसेट्स हैं वाई के, देन व्हाट विल बी एफ इनवर्स E1 यूनियन E2, व्हाट विल बी एफ इनवर्स E1 यूनियन एफ इनवर्स E1 यूनियन E2। सो बेसिकली दिस विल बी दोज एलिमेंट्स इन ए, सो दैट एफ एक्स बिलोंग्स टू E1 यूनियन E2, दैट मीन्स दोज एक्स बिलोंग्स टू ए, सो दैट एफ एक्स बिलोंग्स टू E1 और एफ एक्स बिलोंग्स टू E2। सो बेसिकली दिस इज एक्स बिलोंग्स टू ए, सो दैट एफ एक्स बिलोंग्स टू E1 यूनियन, और का मतलब यूनियन एक्स बिलोंग्स टू ए, सो दैट एफ एक्स बिलोंग्स टू E2। सो दिस थिंग इज नथिंग बट एफ इनवर्स E1 एंड दिस थिंग इज नथिंग बट एफ इनवर्स E2। सो एफ इनवर्स E1 यूनियन E2 इज एफ इनवर्स E1 यूनियन एफ इनवर्स E2। व्हाट अबाउट द इंटरसेक्शन, व्हाट अबाउट द इंटरसेक्शन, व्हाट इज एफ इनवर्स E1 इंटरसेक्शन E2। सो दिस विल बी द कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स इन ए फॉर विच एफ एक्स बिलोंग्स टू E1 इंटरसेक्शन E2। दैट मीन्स दिस इज द एलिमेंट्स x belongs to a, so that fx belongs to E1 and fx belongs to E2. तो आप इसको भी अलग अलग कर सकते हो, fx belongs to a, so that fx belongs to E1, x belongs to a, so that fx belongs to E1 intersection x belongs to a, so that fx belongs to E2। तो ये सेट आपको पता है कि ये f inverse E1 है and intersection f inverse E2, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि इनवर्स इमेज यूनियन और इंटरसेक्शन का क्या करता है, ठीक है। उसके अलावा अगर E1 सबसेट है E2 का, तो अगर E1 सबसेट है E2 का, देन व्हाट कैन वी से अबाउट एफ इनवर्स E1 एंड एफ इनवर्स E2, वट कैन वी से अबाउट दिस। यहाँ पे ये वाला कंटेनमेंट आएगा, ये वाला कंटेनमेंट आएगा, तो देखते हैं। अगर x कोई भी f इनवर्स E1 का एलिमेंट है, इसका मतलब एफ एक्स बेटा E1 का एलिमेंट रहा होगा, लेकिन E1 खुद E2 में कंटेंट है एज ए सबसेट, इसका मतलब एफ एक्स आपका E2 का एलिमेंट रहा होगा, और इसका मतलब x कहाँ बिलोंग कर रहा होगा, f इनवर्स E2 में। तो अगर x f इनवर्स E1 में है तो x कहाँ बिलोंग करेगा, f इनवर्स E2 में, मतलब f इनवर्स E1 इज कंटेंड इन f इनवर्स E2। तो सबसेट के लिए इनवर्स क्या होता है, यूनियन के लिए क्या होता है इनवर्स इमेज, और इंटरसेक्शन के लिए क्या होता है इनवर्स इमेज, वो हमने देख लिया, ठीक है। तो ये था आपका इनवर्स इमेज ऑफ अ सेट। नेक्स्ट लिखिए आइडेंटिटी फंक्शन ऑन ए सेट। सो सपोज
लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, देन आइडेंटिटी फंक्शन ऑन ए इज डिनोटेड बाय आई ए, किसे नोट करते हैं बेटा आई ए, एंड इट इज डिफाइंड एज आई ए फंक्शन फ्रॉम ए टू ए। और ये आइडेंटिटी फंक्शन क्या करता है, हर एक्स को उसी एक्स पे भेजता है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या करता है, हर एक्स को उसी एक्स पे भेजता है। तो किसी सेट के आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या हुआ, ये उसको आई ए से डिनोट करते हैं, और जब एक से ज़्यादा सेट इन्वॉल्व होते हैं तो ये आई ए लगाते हैं, आई बी आई सी। अगर एक ही सेट के बारे में बात करें आइडेंटिटी फंक्शन की, तो आप सफिक्स में वो सेट लगाओ ना लगाओ उससे फ़र्क नहीं पड़ता बहुत, लेकिन ताकि कन्फ्यूज़न ना हो कि किसका आइडेंटिटी फंक्शन है। इसलिए अगर एक से ज़्यादा सेट इन्वॉल्व हैं हमारे थ्योरी में, थ्योरम में, या फिर कहीं कैलकुलेशन में, तो हर सेट का जो आइडेंटिटी फंक्शन है वो सफिक्स में उस सेट को लगा देने से इंगित किया जाएगा, है ना। मतलब अगर आइडेंटिटी फंक्शन ए का डिनोट करना है तो आई ए से, बी का डिनोट करना है तो आई बी से। काम हर प्रकार के फंक्शन या आइडेंटिटी वही करेंगे। बी का अगर आइडेंटिटी फंक्शन है तो बी के हर एलिमेंट को उसी पे भेजेगा, अगर ए का आइडेंटिटी फंक्शन है तो ए के हर एलिमेंट को उसी पे भेजेगा। इस प्रकार से जो है आपको समझना है, ठीक है ना। तो ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। नेक्स्ट इज वन वन फंक्शन। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। सो फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू अनदर सेट बी इज सेट टू बी वन वन, और बेटा इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, वन वन फंक्शन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है ना। तो सेट टू बी वन वन और इंजेक्टिव इफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई इंप्लाइज एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ वाई। मतलब ये हुआ सिंपल कि अगर ये आपका सेट ए है, ये सेट बी है, अगर आप कह रहे हो कि एफ यहाँ से यहाँ तक कोई फंक्शन है, तो अगर आपने दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट ए के उठाए हैं, मतलब अगर आपने एक एक्स लिया है और या आपने एक वाई लिया है, कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट अगर आपने उठाया, मैंने कह रहा कि ए में दो ही एलिमेंट है, ए में चाहे जितने हो, लेकिन जब भी आप दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट ए के उठाओ तो जो उनकी इमेजेज आए एफ एक्स और एफ वाई, वो भी बी में दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट आने चाहिए। तो अगर एक्स वाई के बराबर नहीं है तो एफ एक्स एफ वाई के बराबर नहीं होना चाहिए। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, दैट इज एफ फ्रॉम ए टू बी इज वन वन इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई इंप्लाइज एक्स इक्वल टू वाई, है ना, जहां एक्स वाई ऑब्वियसली ए से ले जा रहे हैं। तो कहने का मतलब, चाहे तो आप ऐसे कहो कि अगर पॉइंट सेम नहीं है तो उनकी इमेजेस सेम नहीं है, या फिर आप ऐसे कहो कि अगर दो पॉइंट की इमेजेस सेम आ रही हैं किसी फंक्शन में, तो आपको हमेशा ये पता चले कि वो पॉइंट भी सेम है। तो ऐसे फंक्शन, ऐसी प्रॉपर्टीज वाले फंक्शन जो हैं, दे आर कॉल्ड वन वन फंक्शंस, ठीक है ना, जिनकी जब भी इमेजेस बराबर हों, वो पॉइंट भी बराबर हों जिनमें आपने इमेजेस कैलकुलेट की हैं, ठीक है। सो सच फंक्शंस आर कॉल्ड वन वन फंक्शंस और इंजेक्टिव फंक्शंस, ठीक है। इसको आप दूसरे तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हो कि एक फंक्शन को ए से बी तक अगर कोई फंक्शन है, तो आप उसको जो है वन वन फंक्शन कह दोगे, या आप उसको इंजेक्टिव फंक्शन कह दोगे अगर अगर क्या हो, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई का एकमात्र सॉल्यूशन आए और वो हो आपका एक्स इक्वल टू वाई, तो दोनों ही परिस्थितियों में आप फंक्शन को क्या कह दोगे, इंजेक्टिव और वन वन फंक्शन। चाहे आप तीन चीजें आपने देख ली, अगर x नॉट इक्वल टू y है और एफ एक्स नॉट इक्वल टू y आपको पता चले, एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ वाई आपको पता चल जाए, तब भी फंक्शन वन वन है। जब भी एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई हो तो x इक्वल टू y आपको पता चल जाए, तब भी फंक्शन वन वन है। या फिर जब भी आप एफ एक्स बराबर एफ वाई रखो और आपको x इक्वल टू y एकमात्र सोल्यूशन मिले एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई का ए में, तब भी फंक्शन जो है आपका वो वन वन है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज एफ अगर ए से बी तक फंक्शन है, देन एफ इज वन वन इफ एंड ओनली इफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई हैज यूनिक सॉल्यूशन
नेमली एक्स इक्वल टू वाई इन ए। तो एफ एक्स इक्वल एफ वाई का एकमात्र सोल्यूशन क्या है, एक्स इक्वल टू वाई। द ओनली सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लाइज ऑन द लाइन वाई इक्वल टू एक्स, है ना, ऐसे कह दो। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल के लिए आपको वन नोड फंक्शन के लिए बनाना चाहूँ, सपोज कर मैं फंक्शन लेता हूँ जेड से लेकर के जेड तक और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, एंड सपोज आई वॉन्ट टू नो वेदर दिस फंक्शन इज वन वन और नॉट। सो आई विल कंसिडर दिस थिंग एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, दैट विल इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस टू वाई। तो इफ आई ब्रिंग दिम हियर आई विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस ट्वाइस एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, एंड दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस वाई, ओके कॉमन ले लो आप, तो आपके पास आया एक्स प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू वाई और फिर एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस टू। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई का एक्स इक्वल टू वाई तो एक सोल्यूशन है, लेकिन साथ में एक पॉसिबिलिटी और बन रही है कि अगर एक्स प्लस वाई माइनस टू आ जाए तब भी एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई आएगा। अब बस इतना देखना है आपको कि क्या एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस टू जेड में संभव है, क्या ऐसे दो इंटीजर आप ढूंढ सकते हो जिनका सम माइनस टू आए। डेफिनेटली आप ढूंढ सकते हो, माइनस वन ले लो, है ना, आप जो है टू और माइनस थ्री ले लो तो उनका सम, वन और माइनस थ्री ले लो उनका सम भी क्या आएगा आपका माइनस टू। तो कहने का मतलब ऐसे पेयर भी आपको मिलेंगे जेड में, है ना, इंटीजर्स के पेयर एक्स वाई जिनके लिए उनका सम माइनस टू आए। कहने का मतलब ये हुआ कि एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई का केवल एकमात्र सोल्यूशन एक्स इक्वल टू वाई नहीं आ रहा, उसके अलावा भी एक पॉसिबिलिटी आ रही है, और ऐसी परिस्थिति में आपका फंक्शन जो है वो वन वन नहीं होगा। तो अगर आपके एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई को सॉल्व करने के बाद दो चीज़ें संभव हो रही हैं, एक तो एक्स इक्वल टू वाई और दूसरा कोई और इक्वेशन भी संभव हो रही है, तो फिर वो वन वन नहीं हो सकता। तो दिस एफ इज नॉट वन वन। वैसे भी अगर आप इसको फंक्शन माने y इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, या फिर आप ये कह दो कि y माइनस वन इज इक्वल टू y प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, या आप कह दो कि y प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या एक दो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो आप देख पा रहे हो कि ये आपका एक पैराबोला बनेगा जिसके जो वर्टिसेस हैं वो माइनस वन कॉमा माइनस वन है। तो बेसिकली इस प्रकार का कोई पैराबोला बनेगा, ये आपका माइनस वन कॉमा माइनस वन, ये वन हो गया माइनस वन हो गया, यहाँ पे माइनस वन हो गया, यहाँ पे आपका वर्टेक्स होगा, और क्योंकि आपका एक्स का जो है यहाँ पे बेसिकली अगर फॉर्म देखो तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस वन है, इसका मतलब ये अपवर्ड ओपन एक पैराबोला बनेगा, ठीक है ना। क्या है, जीरो कॉमा जीरो से पास हो रहा है, हाँ तो डेफिनेटली पास हो रहा है, तो ये इस प्रकार से कुछ बनेगा। और अगर आप y को जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू एक जीरो आएगी और एक x की वैल्यू जो है वो माइनस टू आएगी। तो कहने का मतलब ये ऐसा कुछ जाएगा आपका, रफ स्केच में बना रहा हूँ जस्ट, इस प्रकार से यहाँ से पास होता जाएगा ओरिजिन से, तो ऐसा कोई पैराबोला टाइप का बनेगा, ठीक है। तो अगर ये ऐसा एक पैराबोला बन रहा है कि आपका माइनस वन कॉमा माइनस वन पॉइंट है, तो आप देखो तो कोई भी लाइन अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचेंगे तो वो दो पॉइंट पे कट करेगा हमेशा ही पैराबोला को, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे ये पॉइंट अगर माइनस ए है तो ये पॉइंट आपका ए होगा, तो जो वैल्यू आपकी माइनस ए पे आएगी वही वैल्यू हमेशा ए पे आएगी, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो अगर ऐसा फंक्शन कोई बिहेवियर प्रस्तुत करता है तो वो फंक्शन वन वन नहीं हो सकता, ठीक है ना। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे जो है वैल्यू सेम अगर दे रहा है तो ऑब्वियसली जो है वो वन वन नहीं है। तो इस वजह से ये फंक्शन इस ग्राफिकल तरीके से भी आप कह सकते हैं कि वन वन नहीं है। आप कैलकुलस में और डिटेल में थोड़ा देखेंगे कि वन वन ऑन टू जो है ग्राफ से कैसे करते हैं, एनालिसिस में भी हम देखेंगे जब आएगा इसका। अभी फिलहाल आप ये समझिए कि वन वन फंक्शन चेक करने का एक तरीका आपके पास ये है। दूसरा, तो ये पूरा ग्राफ मैंने आर में बनाया था, केवल इंटीजर पॉइंट्स नहीं लिए थे मैंने वहाँ पे। तो
अगर मैं यही फंक्शन बनाता आपका, सपोज करो फंक्शन में ये 1/2 कर देता है यहाँ पे, बस जब मैं इसको कंसिडर करता तो यहाँ 1/2, यहाँ 1/2, फिर यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी 1/2, है ना, तो यहाँ पे भी 1/2, तो यहाँ पे भी 1/2, फिर यहाँ पे -2। अब ये तो संभव है, परंतु ये संभव नहीं है इंटीजर्स में। दो इंटीजर्स का सम कभी -1/2 नहीं आ सकता। इसका मतलब इस परिस्थिति में जब आप एफ एक्स को x² + 1/2x ले रहे हैं, तो एकमात्र सोल्यूशन आ रहा है fx = fy का, और वो है x = y, जो कि संभव है जेड में। तो इसलिए इस प्रकार का फंक्शन देयरफॉर एफ इज 119। अब अगर आप इसको ग्राफ से देखने जाओ तो देखो गलती क्या कर सकते हैं हम। जैसे मैंने वो ग्राफ बनाया था, मुझे वो ग्राफ बनाना चाहिए था केवल इंटीजर पॉइंट्स के लिए, क्योंकि हमारा फंक्शन केवल इंटीजर पे डिपेंड, मतलब हमको चेक करना था। पर हमने पूरा आर पे बना दिया था आपका, है ना, पूरे नंबर लाइन पे बना दिया था। हमको केवल बनाना था इंटीजर्स पे। तो जो जो इंटीजर्स हैं, केवल अगर आप वो पॉइंट मार्क करते तब भी आप देखते कि हमको दिख रहा था कि जब भी ऐसे इंटीजर लोगे जिनका सम -2 आए, तो आपका fx और fy सेम आ जाएगा, भले ही वो इंटीजर सेम ना हो, तो 1 1 नहीं है। लेकिन अब अगर आप यही फंक्शन ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, अब आपको दिखा कि ये फंक्शन 1 1 है जेड से जेड तक, लेकिन अगर ग्राफ से देखें तो ग्राफ से तो अभी ये पैराबोला ही बनेगा। बस अब इसका वर्टेक्स थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, लेकिन बनेगा तो अभी पैराबोला ही ना, कुछ अभी भी ओरिजिन से पास होगा, तो उस हिसाब से तो अभी भी ये 1 1 नहीं होना चाहिए। तो 1 1 नहीं है, आर में नहीं है 1 1, क्योंकि आप इंटीजर में जब देखोगे तो जो आपको ये मिलेंगे ना दो, ये हमेशा हर लाइन के लिए आपके पास इंटीजर नहीं मिलेंगे कभी भी। जब अभी लाइन ऐसी खींचोगे जो दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा, तो ऐसे पॉइंट तो आपको कभी नहीं मिलेंगे जो यहाँ पे इंटीजर पॉइंट हो, मतलब ये एक्स मिले वो भी एक इंटीजर हो, यहाँ वाला जो मिले वो भी एक इंटीजर हो, उन पे कभी भी वैल्यू सेम नहीं आएगी अगर वो डिस्टिंक्ट इंटीजर है तो, ठीक है ना। रियल में इसलिए संभव हो जाएगा क्योंकि आपका x + y = -1/2 चाहिए, तो ऐसे रियल नंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं ना जिनका सम -1/2 आए। तो अगर आर से आर ये फंक्शन में लेता तब ये 1 1 नहीं होता, लेकिन मैंने क्योंकि जेड से जेड लिया है तो मैंने ये वाली पॉसिबिलिटी ही खत्म कर दी, तो इसका मतलब अब ये 1 1 हो जाएगा। तो सेम फंक्शन जो सेम रूल से डिफाइंड है, वो एक सेट पे 1 1 हो भी सकता है और दूसरे सेट पे 1 1 नहीं भी हो सकता है। तो फंक्शन के रूल से नहीं पता चलता है कि 1 1 है या नहीं है, फंक्शन कहाँ डिफाइंड है उससे पता चलता है कि 1 1 है या नहीं है ना। डोमेन पे भी डिपेंड होता है, केवल रूल से नहीं पता चलेगा। बहरहाल 1 1 फंक्शन कैसे चेक करेंगे आपको बता दिया गया। आपको fx = fy रख के सॉल्व करना है। अगर x = y मात्र सोल्यूशन आए, इसका मतलब 1 1 है, उसके अलावा आए कुछ तो 1 1 नहीं, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑन टू फंक्शन, और वी कॉल इट ऑल्सो सर्जेक्टिव फंक्शन। सो अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज सेट टू बी सर्जेक्टिव और ऑन टू इफ एफ ए इक्वल टू बी। अगर फंक्शन का जो रेंज है वो फंक्शन के कोडोमेन के बराबर आ जाए, तो मैं कह दूंगा कि फंक्शन ऑन टू है। अगर एफ ए बी के बराबर आ जाए, एफ ए क्या था बेटा, रेंज, जिसमें जितने भी ए के पॉइंट्स थे सब पे एफ लगा के जो पॉइंट आए थे उनका आपने कलेक्शन बनाया था, और हमने क्या बुलाया था इसको, एफ ए को, रेंज। तो अगर फंक्शन की रेंज उसके कोडोमेन के बराबर आ जाए तभी और तभी कहेंगे कि फंक्शन जो है वो ऑन टू है। रेंज अगर किसके बराबर आ जाए, कोडोमेन की। इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, दैट इज इफ फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू बी वी हैव वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। क्योंकि आप कह रहे हो कि रेंज जो है वो बी के बराबर आ गया, तो कोई भी वाई अगर आप बी में लोगे तो वो एफ एक्स में मिलेगा, एफ ए में मिलेगा, और एफ ए का हर पॉइंट ही कैसा दिखता है, एफ ऑफ एक्स टाइप का, है ना, फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू ए। तो फंक्शन ऑन टू होगा ए से बी तक अगर हर वाई जो कि बी का एलिमेंट है उसके लिए वाई एफ एक्स टाइप का लिखा जाए फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू ए, या फिर आप ये कह दो, या तो आप ये कह दो कि एफ फ्रॉम ए टू बी इज सर्जेक्टिव इफ इफ व्हाट इफ वाई इक्वल टू एफ एक्स हैज अ सोल्यूशन, एटलीस्ट वन सोल्यूशन, एक्स बिलोंग्स टू ए फॉर ईच वाई बिलोंग्स टू बी। कोई भी वाई बी का एलिमेंट लो, अगर आपको एफ एक्स इक्वल टू वाई का एक सोल्यूशन कम से कम जो है ए में मिल रहा है एक्स,
तो मैं कह दूंगा कि जो आपका फंक्शन है वो एक सर्जेक्टिव फंक्शन है। कोई भी अगर ऐसा वाई आपको मिल गया जिसके लिए वाई इक्वल एफ एक्स का कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा ए में, तो मैं नहीं कह पाऊंगा कि आपको, तो मैं डेफिनेटली जो है कह दूंगा कि आपका फंक्शन ऑन टू नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो ये आपका सर्जेक्टिव फंक्शन हो गया। एक एग्जाम्पल यही लेते हैं जो हमने अभी एग्जाम्पल बनाया था कुछ देर पहले, जो आपका एफ एक्स था एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, और हमने एफ डिफाइन किया था सेट ऑफ इंटीजर से सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है ना। तो कंसिडर करते हैं फॉर वाई बिलोंग्स टू जेड वाई इक्वल टू एफ एक्स। अगर वाई इक्वल टू एफ एक्स का एक सोल्यूशन कम से कम एक्स जेड में मिल गया तो मैं कह दूंगा कि ये आपका जो फंक्शन है वो ऑन टू है हर वाई के लिए अगर मिल गया तो, है ना। नहीं मिला किसी एक वाई के लिए तो ऑन टू नहीं है। तो वाई इक्वल एफ एक्स क्या है बेटा आपका एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, तो यहाँ पे आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब फोर माइनस प्लस फोर वाई अपॉन टू, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है ना। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फोर तो आपका यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट वन प्लस वाई। अब क्या हर इंटीजर के लिए ये जो क्वांटिटी आने वाली है क्या वो इंटीजर ही होगी? तो अगर मैं वाई को रख दूं माइनस टू, फोर वाई इक्वल टू माइनस टू, है ना, व्हाट विल बी एक्स? माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट माइनस वन, एंड दिस डजेंट बिलोंग टू इंटीजर्स, है ना। तो इस कम से कम एक वाई तो मुझे मिल रहा है ना। वैसे आप कोई भी वाई ले लो जिसके लिए वन प्लस वाई नेगेटिव आ रहा हो, मतलब वाई लेस देन माइनस वन, आप कोई भी ले लो उसके लिए आपको कभी भी इसका इंटीजर सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाई इक्वल टू माइनस टू पे हमको कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिल रहा है जिसके लिए वाई इक्वल टू एफ एक्स का सोल्यूशन नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये आपका फंक्शन जो है एफ जो है वो ऑन टू नहीं है, इज नॉट ऑन टू, ठीक है ना। क्या ये आर से आर ऑन टू होता तो फिर से नहीं होता, क्यों? क्योंकि फिर से मैं वाई को माइनस टू लेता तो यहाँ पे जो है सोल्यूशन आपका रियल में नहीं आता, कॉम्प्लेक्स में चला जाता। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो है ये फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो वन वन ऑन टू फंक्शन हो गया। एक डेफिनेशन और लिख लीजिए इन टू फंक्शन, इन टू, व्हाट इज इन टू फंक्शन? इनटू फंक्शन, तो अगर आपके पास एक फंक्शन है, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी एन इनटू फंक्शन अगर देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू बी said that y is not equal to fx for every x belongs to a. इसका मतलब ये हुआ that is at least one element of b does not have inverse image. under f. अगर B का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिले जिसका इनवर्स इमेज ना हो A में, है ना, अंडर F, तो मैं कह दूंगा कि वो जो आपका फंक्शन है वो एक इनटू फंक्शन है। जैसे आपने एग्जांपल अभी देखा था, अगर आप बनाओ प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री से ये वन फोर नाइन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव तक, और वही फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो देन वॉट, देन अगर आप ध्यान से देखो तो 16 एक एलिमेंट है, 16 भी है 25 भी है बी में, जिसके लिए 16 नहीं है किसी भी एफ एक्स के बराबर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वॉट। हमने वैसे भी देखा था अभी कुछ देर पहले ना, वॉट वॉज इनवर्स इमेज ऑफ 16? 5. वॉट वॉज इनवर्स इमेज ऑफ
25 5। तो इनवर्स इमेज अगर किसी एक सिंगल एलिमेंट की बी में नहीं मिल रही है, ऐसे फंक्शंस क्या फंक्शंस कहलाएंगे बेटा? इनटू फंक्शंस कहलाएंगे। तो ये आपका एक इनटू फंक्शन का एग्जांपल है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका जो है वो है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन, सो फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी बाइजेक्टिव इफ इट इज बोथ इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव। अगर ये इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है तो मैं कह दूंगा कि वो फंक्शन बाइजेक्टिव है, ठीक है ना। दैट इज एफ फ्रॉम ए टू बी, अगर ये फंक्शन है तो इसको हम बाइजेक्टिव कहेंगे इफ एंड ओनली इफ पहला एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई इंप्लाइज एक्स इक्वल टू वाई, दूसरा वाई इक्वल टू एफ एक्स फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू बी हैज अ सोल्यूशन एक्स बिलोंग्स टू ए। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, पहला जब भी एफ एक्स बराबर एफ वाई हो तो एक्स बराबर वाई हो जाए, और दूसरा जब भी वाई को एफ एक्स के बराबर रखो किसी भी वाई बिलोंग्स टू बी के लिए तो आपको हमेशा एक एक्स तैयार मिले ए में जिसके लिए एफ एक्स इक्वल टू वाई हो जाए। तो अगर ये दोनों कंडीशन कोई फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है किसी सेट ए से बी तक तो मैं कहूंगा कि वो फंक्शन जो है बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, मान लीजिए एफ एक फंक्शन है ए से लेकर के बी तक और जी एक फंक्शन है बी से लेकर के सी तक, देन द फंक्शन जी ऑफ एफ या कह दो देन द फंक्शन एच फ्रॉम ए टू सी डिफाइंड एज एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, है ना। g of fx is called composition of functions f and g and it is denoted by f of g of f। किसे डिनोट करते हैं बेटा इसको? g ऑफ f, इसको पढ़ते हैं गॉफ या फिर g ऑफ f। क्यों पढ़ते हैं g ऑफ f? यहीं से पता चल रहा है कि g ऑफ एफ एक्स है ना ये। व्हाट इज hx? hx इज g ऑफ एफ एक्स, तो इसलिए इसको g ओ f लिखते हैं। तो कंपोजिशन दो फंक्शंस का ऐसे डिफाइंड होता है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आपका एक फंक्शन बनाऊं r से लेकर के r प्लस तक कि fx इज इक्वल टू e की पावर x, और एक आपका मैं जी बनाऊं आर प्लस से लेकर के आर तक कि जी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, देन व्हाट विल बी जी ऑफ एफ एट एक्स? सो जी ऑफ एफ एट एक्स विल बी व्हाट? विल बी जी ऑफ एफ एक्स
which is g of e to the power x, and this is log of e to the power x ln e to the power x which is x, ठीक है ना। तो इस प्रकार से फंक्शन का कंपोजिशन आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। सिंपली एच एक्स इज एफ ऑफ जी एक्स, ठीक। एफ अगर ए से बी था, जी बी से सी था, तो आपने डिफाइन किया था जी ऑफ एफ ए से लेकर के सी तक, ठीक है ना। जी ऑफ एफ आपने डिफाइन किया था ए से लेकर के सी तक, ओके। अगर एफ ए से बी है, जी बी से सी है, तो जी ऑफ एफ कहां से कहां तक फंक्शन होगा, ए से सी तक। डोमेन उसका ए होगा, कोडोमेन उसका सी होगा, ठीक है। सो इफ ए बी से ए से बी तक फंक्शन है एफ, मान लो, और मान लो जी जो है या सपोज करो एफ जो है वो भी ए से ए फंक्शन है, जी जो है वो भी ए से ए फंक्शन है ना। और उस केस में हम एफ ऑफ जी भी देखेंगे, वो भी ए से ए फंक्शन होगा, और जी ऑफ एफ भी देखेंगे, वो ए से ए फंक्शन होगा, नहीं। अगर एफ ए से ए फंक्शन है, जी ए से ए फंक्शन है, तो जी ऑफ एफ जो है वो ए से ए फंक्शन होगा, और एफ ऑफ जी भी ए से ए फंक्शन होगा। सो बट तो यहाँ ध्यान रखने वाली क्या चीज़ है, ये वेल डिफाइंड है, तो नोट करने वाली चीज़ है कि जी ऑफ एफ need not be equal to f of g। दो फंक्शंस का कंपोजिशन जो है f of g और g of f, fog और gof, बराबर हैं, ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है। तो जैसे मान लो कि मैंने फंक्शन लिया एफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज करो मैंने f लिया r से r तक, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और g भी लिया r से r तक कि जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो जब मैं एफ ऑफ जी एक्स करूँगा, दिस इज एफ एट जी एक्स, दिस इज एफ एट साइन एक्स विच इज साइन स्क्वायर एक्स, और जब मैं जी ऑफ एफ एक्स करूँगा तो आएगा जी एट एफ एक्स, मतलब जी एट एक्स स्क्वायर, मतलब साइन एक्स स्क्वायर। और साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स स्क्वायर एक ही बात नहीं है, ये दोनों अलग अलग फंक्शंस है ना। तो फॉग और गॉफ सेम फंक्शन है ऐसा जरूरी नहीं है, डिफरेंट फंक्शन है। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी कहते हैं कि फंक्शंस का कंपोजिशन जो है कम्यूटेटिव नहीं है ना। जब आप ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे कम्यूटेटिव वगैरह डिस्कस करेंगे, तो ये फैक्ट आप यहाँ याद रखना कि फंक्शंस का जो कंपोजिशन है वो कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि मान लो एफ आपका ए से लेकर के बी तक फंक्शन है, और जी मान लो बी से सी तक फंक्शन है। इफ एफ एंड जी बोथ आर वन वन, देन जी ऑफ एफ इज ऑल्सो वन। तो कहने का मतलब कंपोजिशन ऑफ टू वन वन फंक्शन इज वन वन। कैसे? कंसिडर करो जी ऑफ एफ एक्स बराबर जी ऑफ एफ वाई, इसका मतलब जी एट एफ एक्स बराबर जी एट एफ वाई, लेकिन आपने कहा है कि जी वन वन है, तो जी वन वन होने का मतलब क्या हुआ कि अगर जी एक्स बराबर जी वाई है तो एक्स बराबर वाई, तो मतलब एफ एक्स बराबर एफ वाई हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जी इज वन वन। तो अगर इमेजेस सेम है तो पॉइंट भी सेम होने चाहिए। अब एफ भी वन वन है तो एक्स बराबर वाई हो जाएगा। तो जब भी जी ऑफ एफ एट एक्स बराबर जी ऑफ एफ एट वाई है तो एक्स बराबर वाई आ रहा है, यह एक ही बात बताता है कि जी ऑफ एफ जो है वो वन वन फंक्शन है। सो कंपोजिशन ऑफ टू वन वन फंक्शन इज वन वन फंक्शन। नेक्स्ट सपोज कीजिए कि आपके पास एक फंक्शन है एफ ए से लेकर के बी तक, और ये सर्जेक्टिव है, और जी जो है वो भी बी से सी तक है, वो भी सर्जेक्टिव है। देन जो जी ऑफ एफ होगा ए से सी तक
वो भी सर्जेक्टिव होगा। तो कंपोजिशन ऑफ टू सर्जेक्टिव फंक्शन इज सर्जेक्टिव, ठीक है ना। कैसे सर्जेक्टिव होगा, अगर आपके पास कोई भी वाई जो है वो सी में है तो एस जी जो है वो बी से सी तक सर्जेक्टिव है, तो आपको हर जो वाई सी में है उसके लिए एक एलिमेंट बी में मिलेगा। दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट जेड बिलोंग्स टू बी सो दैट जी ऑफ जेड इज इक्वल टू वाई। नाउ जेड बिलोंग्स टू बी और आपका फंक्शन एफ जो है वो ए से लेकर के बी तक सर्जेक्टिव है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो भी बी का एलिमेंट होगा उसके लिए आपको एफ के लिए एफ के अंडर एक प्री इमेज मिलेगी। तो अगर जेड बी का एलिमेंट है तो आपको एक कह दो कि एक्स मिलेगा ए में, अगर जेड बी का एलिमेंट है तो आपको एक एक्स मिलेगा ए में, सो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जेड, है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जेड। तो ये आपका इक्वेशन वन हो गया, ये टू हो गया। अगर आप वन और टू को मिला दें तो आपको क्या प्राप्त हो रहा है, देखिए अगर आप वन और टू को मिला दें, सो फ्रॉम वन एंड टू व्हाट डू वी गेट इज आपका जेड की वैल्यू रख दो ना, जेड की वैल्यू है एफ एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स बराबर वाई, दिस इंप्लाइज जी ऑफ एफ एट एक्स बराबर वाई। तो आप कोई भी वाई अगर सी में ले रहे हैं तो आपको हमेशा एक एक्स मिल रहा है फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू ए, जिसके लिए जी ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू वाई हो गया। इसका मतलब जितने भी सी के एलिमेंट हैं सब के लिए जी ऑफ एफ में, जी ऑफ एफ के अंडर जो है वो ए में क्या मिलेगी, प्री इमेज मिलेगी। तो एवरी एलिमेंट इन सी हैज इनवर्स इमेज विद रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एफ इन ए, है ना। तो इसका मतलब जी ऑफ एफ जो है वो ऑन टू फंक्शन है या सजेक्टिव फंक्शन है। तो अगर आपका एक दो वन वन फंक्शन है तो उनका कंपोजिशन हमेशा क्या आएगा, एक वन वन फंक्शन, दो ऑन टू फंक्शन है तो उनका कंपोजिशन हमेशा ऑन टू आएगा। तो इसका मतलब अगर दो वन ऑन टू फंक्शन है तो उनका कंपोजिशन हमेशा क्या आएगा, वन वन एंड ऑन टू। सो देयरफॉर कंपोजिशन ऑफ टू, कंपोजिशन पॉसिबल भी होना चाहिए, पॉसिबल होने के लिए आपको भाई एफ ए से बी है तो जी बी से सी होना चाहिए, ठीक है ना। तो कंपोजिशन ऑफ टू, जब भी मैं लिख रहा हूँ ये तो मैं मान के चल रहा हूँ कि कंपोजिशन पॉसिबल है। सो कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्टिव फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्टिव फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट, ये सब नोट करके या प्रॉपर्टीज करके लिखिए। मान लीजिए कि आपके पास एक फंक्शन है ए से लेकर के बी तक और जी एक फंक्शन है बी से लेकर के सी तक, सच दैट जी ऑफ एफ इज वन वन, जी ऑफ एफ इज इंजेक्टिव। तो हम ऐसा फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं, दो फंक्शन एफ और जी, एक ए से बी दूसरा बी से सी, सच दैट उनका जो कंपोजिशन जी ऑफ एफ आए वो इंजेक्टिव हो। तो देन ऑब्जर्व करिएगा कि एफ एक्स बराबर एफ वाई वुड इंप्लाई दैट जी ऑफ एफ एट एक्स, ऐसे लिख दो ना, दोनों साइड में जी लगा दो, जी ऑफ एफ एक्स बराबर जी ऑफ एफ वाई, एंड दिस वुड इंप्लाई दैट जी ऑफ एफ एट एक्स बराबर जी ऑफ एफ एट वाई। एंड क्योंकि आपने जी ऑफ एफ को इंजेक्टिव कहा है तो जी ऑफ एफ एट एक्स बराबर जी ऑफ एफ एट वाई विल इंप्लाई दैट एक्स इक्वल टू y, और आपने लिया क्या था, आपने लिया था एफ एक्स बराबर एफ वाई। तो जब आपने एफ एक्स बराबर एफ वाई लिया तो आपको प्राप्त क्या हुआ, x बराबर वाई। इसका मतलब क्या हुआ कि f वन वन है। तो अगर g ऑफ f इज इंजेक्टिव देन सो ये आपका प्रूफ सा हो गया, सो कंसिडर कर रहे हैं हम यहां से, देन f इज वन वन। तो अगर दो फंक्शन का जो कंपोजिशन है ना, अगर वो इंजेक्टिव आ रहा है तो जो आपके दो ये वाला फंक्शन है एफ वाला फंक्शन, ठीक है ना, प्री फैक्टर बेसिकली इसको, है ना, वो आपका
क्या होगा, वन वन फंक्शन होगा, ठीक है ना। प्री नहीं, पोस्ट फैक्टर है, प्री फैक्टर तो एफ जी हो गया ना। तो अगर आपका जी ऑफ एफ इंजेक्टिव है तो जो इसका पोस्ट फैक्टर है वो हमेशा जो है वो क्या होगा बेटा, वो इंजेक्टिव होगा। इसी प्रकार से अगर आपका एफ मान लो फंक्शन है ए से बी और जी फंक्शन है बी से सी, सच दैट जी ऑफ एफ इज सर्जेक्टिव, देन जी इज सर्जेक्टिव। तो अगर एफ, अगर जी ऑफ एफ है ना, अगर वो वन वन है तो जो उसका पोस्ट फैक्टर है वो वन वन होगा, और अगर जी ऑफ एफ ऑन टू है तो जो इसका प्री फैक्टर है, प्री फैक्टर मतलब जी, वो क्या होगा, वो ऑन टू होगा, सर्जेक्टिव होगा, है ना। इसका प्रूफ भी आप देख लीजिए, आपको जी को सर्जेक्टिव दिखाना है। जी फंक्शन है आपका, देख लेते हैं सारे, ये आपका ए है, यहाँ आपका बी है, यहाँ आपका सी है, और आपका जी फंक्शन है यहाँ से यहाँ तक, ए फंक्शन है, एफ फंक्शन है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब मुझे जी को सब्जेक्टिव दिखाना है तो आई विल स्टार्ट विद जेड, है ना, मैं किसी जेड से स्टार्ट करूंगा और मैं उसके लिए एक यहाँ पे एलिमेंट ढूंढूंगा जिसके लिए जी ऑफ दैट एलिमेंट जेड के बराबर हो जाए, ठीक, ओके। कहाँ ढूंढना है एलिमेंट मुझे, बी में। सो लेट जेड बिलोंग्स टू सी बी एनी, उनको करना क्या बेटा, टू फाइंड सम, जो भी नाम रखना चाहो आप, कह दो कि y belongs to b such that g of y equal to z। तो अगर हर c के एलिमेंट के लिए आपको एक y b मिल रहा है such that g y equal to z, तो मैं कह पाऊंगा कि g आपका ऑन टू फंक्शन है या सर्जेक्टिव फंक्शन है। तो ये मुझे y ढूंढ के निकालना है। अच्छा, मुझे इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, मुझे इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जो आपका g of f है वो सर्जेक्टिव है। इसका मतलब ये हुआ कि एस जी ऑफ ए बेटा कहां तक फंक्शन होता है, ए से सी तक, और ये कैसा फंक्शन गिवन है, सर्जेक्टिव। देयरफॉर फॉर दिस जेड बिलोंग्स टू सी, देयर इज सम, कह दो एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट जी ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू जेड, और कह दो जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जेड, और कह दो जी ऑफ वाई इक्वल टू जेड, वेयर व्हाट इज वाई, y is fx and this is definitely an element of b, है ना, क्योंकि जिन भी a के element पे f लगाओगे b में पहुंच जाएंगे। तो आपने प्रूफ कर दिया कि आपको एक y हमेशा b में मिलेगा जिसके लिए gy z हो जाएगा हर z belongs to c के लिए। इसका मतलब g आपका एक onto function है। तो अगर आपके दो functions का composition onto है, surjective है, तो उनका जो prefactor है वो वाला function हमेशा surjective होगा, और दो function का composition अगर injective है तो जो आपका पोस्ट फैक्टर है वो हमेशा क्या होगा आपका, वो हमेशा इंजेक्टिव होगा, ठीक है ना। तो अगर कंपोजिशन इंजेक्टिव तो पोस्ट फैक्टर इंजेक्टिव, अगर कंपोजिशन सर्जेक्टिव तो प्री फैक्टर सर्जेक्टिव। ओके, नेक्स्ट इज इन्वर्टिबल फंक्शन। सो लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, देन एफ इज इन्वर्टिबल, इफ देर एग्जिस्ट अ फंक्शन, if there exists a function g from b to a such that f of g is identity of b and g of f is identity of a। agar aapko aisa function mil jaye, matlab agar f a se b tak given hai aur agar aapko g ek function b se a aisa mil jaye ki jo fog hai wo b ki identity ban jaye और जो गॉफ है वो ए की आइडेंटिटी बन जाए, इसको दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी कह सकते हैं, और एफ ऑफ जी एट वाई इज वाई फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी एंड जी ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, देन वी से दैट एफ इज इन्वर्टिबल, ठीक है ना। एंड नोट करके इसमें लिख लीजिएगा कि
द फंक्शन जी फ्रॉम बी टू ए दैट सेटिस्फाइज, इसको आप चाहे तो वन और टू कह दो, दैट सेटिस्फाइज वन एंड टू इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ जी सॉरी एफ फ्रॉम ए टू बी एंड इट इज डिनोटेड बाई एफ इनवर्स। तो अगर आपको एक फंक्शन ए से बी तक दिया है एफ, और अगर आप एक ऐसा फंक्शन जी ढूंढ सको बी से ए तक जो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करे, या फिर ये दो कंडीशन एक ही बात है, तो ऐसे फंक्शन को हम इन्वर्टिबल फंक्शन कहते हैं। और जो ऐसा फंक्शन जी मिलता है जो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, उस फंक्शन को हम बोलते हैं कि वो एफ का इनवर्स है। ठीक है ना, क्या है वो फंक्शन? एफ का इनवर्स है। ठीक है ना, अब कुछ चीज़ें आप इसके लिए नोट कर लीजिए इन्वर्टिबल फंक्शंस के लिए, या जैसे अगर आपको एक एग्जांपल देखना है, सपोज करो लेट्स सी एन एग्जांपल। सपोज करो मुझे फंक्शन गिवन है, एफ गिवन है मुझे आर से आर तक, रियल नंबर से रियल नंबर तक, एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन। और अगर मुझे पता करना है कि इन्वर्टिबल है कि नहीं है, तो हमको क्या करना है बेटा, हमको फाइंड करना है एक फंक्शन जी आर से आर तक, क्योंकि यहाँ ए और बी सेम ही है, सच दैट जब मैं जी ऑफ एफ एट एक्स करूँ तो एक्स आई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, और जब मैं जी एफ ऑफ जी एट वाई करूँ तो वाई आई फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर। इसको कंसिडर करते हैं क्योंकि मुझे जी वाई चाहिए। सो कंसिडर करते हैं एफ ऑफ जी एट वाई इक्वल टू वाई, इसका मतलब एफ ऑफ जी वाई बराबर वाई। लेकिन f ऑफ एनी थिंग क्या है? ट्वाइस ऑफ दैट थिंग प्लस वन। तो f ऑफ जी वाई क्या होगा? टू टाइम जी वाई प्लस वन बराबर वाई। तो यहाँ से जी वाई की वैल्यू क्या आएगी बेटा? जी वाई हो जाएगा वाई माइनस वन बाई टू। अब अगर आप वाई माइनस वन बाई टू फंक्शन ले लो और आप ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करो, तो आप देखो सेटिस्फाई हो जाएगा, है ना। आप वेरीफाई करना, जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी दोनों जो आपको चाहिए वही देंगे। तो ये जो फंक्शन है जी, ये फंक्शन इस एफ का इनवर्स है। ठीक है ना, दिस जी इज इनवर्स ऑफ एफ। अब एक चीज आप देखिएगा कि अगर एफ ए से बी तक फंक्शन है, देन एफ इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ एफ इज बाइजेक्टिव। अगर इन्वर्टिबल है तो वन वन ऑन टू होगा, और अगर वन वन ऑन टू है तो इन्वर्टिबल होगा, ये सिद्ध किया जा सकता है। अगर एफ इन्वर्टिबल है तो उसको वन ऑन टू होना पड़ेगा, और अगर वन ऑन टू है तो उसको इन्वर्टिबल होना पड़ेगा। आप ये सिद्ध कर सकते हैं। अगर आपको प्रूफ सा देखना है तो मान लेते हैं कि एफ इन्वर्टिबल है, फॉरवर्ड पार्ट में एफ इन्वर्टिबल है, प्रूफ करना है कि बाइजेक्टिव होगा। तो क्योंकि एफ इन्वर्टिबल है, देयर एग्जिस्ट जी फ्रॉम बी टू ए सच दैट एफ ऑफ जी एट वाई इज वाई फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू बी एंड जी ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। नाउ कंसिडर एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। वन वन कैसे देखते हैं फंक्शन को? मुझे एफ को इन्वर्टिबल मैंने माना है, मुझे दिखाना है कि ये वन वन और ऑन टू है। तो किसी फंक्शन को वन वन कैसे दिखाते हैं? दो पॉइंट्स पे वैल्यू सेम लेके चलो और दिखाओ कि दोनों पॉइंट सेम है। तो एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, तो बेटा वॉट विल बी जी ऑफ एफ एक्स वन? दिस विल बी जी ऑफ एफ एक्स टू। लेकिन क्योंकि डेफिनेशन आपने बताई है, तो g ऑफ f एट x1 तो x1 आएगा और g ऑफ f एट x2 तो x2 आएगा। इसका मतलब आपका x1 बराबर x2 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब जो है आपका f11 हो गया, therefore f is 11। अब दूसरा मुझे क्लेम करना है, पहला चीज़ तो हो गया। नेक्स्ट हम प्रूफ करेंगे कि पहला हमने प्रूफ किया कि f is 11, a कह दो इसको। अब हम प्रूफ करेंगे f is ऑन टू। कैसे प्रूव करोगे ऑन टू है भाई? मान लो आपके पास कोई भी
एक कोई भी क्या नाम है, सपोज करो y belongs to b है, आपको क्या फाइंड करना है, टू फाइंड x belongs to a so that f of x equal to y, ठीक। अब y b का एलिमेंट है और b के हर एलिमेंट के लिए नाउ और एनी वी वाई बिलोंग्स टू बी, इस इक्वेशन से क्या आएगा आपके पास कि एफ ऑफ जी एट वाई इज इक्वल टू वाई, इसका मतलब एफ ऑफ जी वाई बराबर वाई, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स बराबर वाई, वेयर व्हाट इज एक्स, वेयर एक्स इज जी ऑफ वाई और जी ऑफ वाई हमेशा ए का एलिमेंट आएगा बेटा, क्यों, क्योंकि जी ए से जी जो है वो बी से ए तक फंक्शन है, तो किसी भी बी के एलिमेंट पे जी लगाओगे तो वो ए का एलिमेंट बन जाएगा। तो आपको एक एलिमेंट ए में ऐसा मिल रहा है जिसके लिए एफ एक्स वाई हो जा रहा है हर वाई बिलोंग्स टू बी के लिए, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो फंक्शन एफ है वो सर्जेक्टिव है, तो अगर इन्वर्टिबल है तो वन वन ऑन टू होगा। अब हम देखने जा रहे हैं कि अगर वन वन ऑन टू है तो इन्वर्टिबल भी होगा, ये आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, अब मान लेते हैं कि f जो है वन वन ऑन टू है, दिखाना है कि वो इन्वर्टिबल होगा। सो कन्वर्स पार्ट में हम मान लिए हैं कि f बाइजेक्टिव है, दिखाना है कि वो इन्वर्टिबल होगा। सो एस कोई भी वाई आप बी में ले रहे हो तो देर एग्जिस्ट यूनिक यूनिक एक्स बिलोंग्स ए सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई। ये बात कहाँ से पता चल रही है आपको, दो चीज़ों से पता चल रही है, पहला कि एफ ए से बी तक वन वन है, दूसरा कि एफ ए से लेकर के बी तक ऑन टू है। तो ये आपका सेट ए है, ये सेट आपका बी है, कोई भी वाई में लूंगा तो क्योंकि ऑन टू है आपका फंक्शन एफ ए से लेकर के बी तक, तो हर वाई के लिए प्री में एक एक्स मिलेगी ही मिलेगी। दूसरी बात, क्योंकि एफ वन वन भी है तो ऐसा संभव नहीं है कि एक एक्स वन एक्स टू ऐसे मिल रहे हों दोनों वाई पे जाएं, ये संभव नहीं है। तो हर वाई बिलोंग्स टू बी के लिए आपको हमेशा एक एक्स बिलोंग्स टू ए मिलेगा और वो यूनिक मिलेगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ, डिफाइन करो ये फंक्शन जी फ्रॉम बी टू ए, कैसे डिफाइन कर रहा हूँ कि जी वाई इज इक्वल टू x if and only if fx equal to y। तो आप कोई भी y b में लोगे तो आपको एक x तो मिलेगा ही ना, कहाँ, a में, जिसके लिए fx बराबर क्या होगा बेटा y। तो वो जो x मिल रहा है, बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं ग्राफिकली बना के दिखाऊं तो अगर आपको यहाँ a गिवन है, यहाँ b गिवन है और ये आपका फंक्शन f a से b तक वन ऑन टू है, तो मैं यहाँ अगर बेटा y1 लूंगा तो मुझे एक x1 मिलेगा जिसके लिए g f of x1 y1 हो जाएगा। अगर मैं y2 b में लूंगा तो मुझे एक यूनिक x2 मिलेगा और ये एफ एक्स टू बराबर वाई टू हो जाएगा, एंड सो ऑन, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो मैं वही कर रहा हूँ कि जो मुझे g फंक्शन डिफाइन करना था, कहाँ से कहाँ डिफाइन करना था बेटा, g मुझे b से a तक, तो जो मुझे वो g फंक्शन डिफाइन करना था b से a तक, तो ये आपके y1 y2 y3 एंड सो ऑन है। तो मैं y1 को x1 पे भेज रहा हूँ, y2 को x2 पे भेज रहा हूँ, y3 को x3 पे भेज रहा हूँ, एंड सो ऑन। तो मैं बेसिकली अगर एफ एक्स इक्वल टू वाई मुझे पता है, जो कि मुझे पता ही चलेगा क्योंकि हमने ये पहले डिस्कस कर लिया है कि हर वाई बिलोंग्स टू बी के लिए एक यूनिक एक्स ए में मिलेगा ही मिलेगा, तो वो जो एलिमेंट एक्स मिल रहा है मैं वाई को उसी की इमेज बना दूंगा, वाई की इमेज उसी एक्स को बना दूंगा, ठीक है ना, जो भी मुझे एक्स मिलेगा, है ना। तो ये फंक्शन आप देख सकते हो, व्हाट विल बी जी ऑफ एफ एक्स
जी ऑफ एफ एक्स। तो ये रिजल्ट क्या कहता है कि अगर मुझे दिखाना है देन हम क्लेम क्या करेंगे, क्लेम ये करेंगे, देखो जरा ध्यान से, क्लेम करेंगे कि दिस जी इज इनवर्स ऑफ। अब इनवर्स के लिए क्या प्रूव करना होता है, दैट इज इनवर्स ऑफ एफ, सॉरी दैट इज आपको प्रूव करना पड़ेगा कि जी ऑफ एफ एट एक्स इज एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एफ ऑफ जी एट वाई इज इक्वल टू वाई फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू बी। ये दो चीजें आपको एस्टेब्लिश करनी है। डेफिनेशन जी की ध्यान से देखिएगा, ठीक है, जी क्या फंक्शन है कि अगर एफ एक्स वाई दे रहा है ना तो जी वाई एक्स हो जाएगा। तो अब अगर मैं कंसिडर करूं व्हाट इज जी ऑफ एफ एट एक्स, दिस इज जी ऑफ एफ एक्स है ना, और अगर मैं एफ एक्स को वाई कह रहा हूं तो अगर मैं इसको वाई कह दूं फॉर अ टाइम बीइंग, वाई मैंने अगर एफ एक्स को कह दिया है ऑब्वियसली ये बी का एलिमेंट है, तो अगर वाई एफ एक्स है तो जी वाई क्या डिफाइन किया है हमने एक्स, तो जी ऑफ एफ एट एक्स क्या आ जाएगा बेटा एक्स। इसी प्रकार से व्हाट इज एफ ऑफ जी एट वाई, दिस इज एफ ऑफ जी वाई एंड दिस इज एफ एट कह दो जेड, जहां जेड आपका क्या है, वेयर जेड इज इक्वल टू जी ऑफ वाई। अब जरा ध्यान से देखो डेफिनेशन जी की, जी की डेफिनेशन क्या है कि अगर एफ एक्स वाई है तो जी वाई एक्स हो जाएगा, और अगर जी वाई एक्स है तो एफ एक्स वाई हो जाएगा। तो क्योंकि यहां पे जी वाई जेड है तो एफ जेड जो है वो वाई हो जाएगा, इसी डेफिनेशन से हमने लगाया कि अगर एफ ऑफ एक्स वाई है तो जी वाई एक्स हो जाएगा, और अगर जी वाई एक्स है, जैसे यहां जी वाई क्या है जेड है, तो जब आप जी ऑफ वाई निकाल रहे हो और वो एक्स आ रहा है तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है वाई के, तो एफ ऑफ जेड किसके बराबर हो जाएगा वाई के। तो ये आपका दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल है ना। तो कहने का मतलब एक फंक्शन इन्वर्टिबल होगा इफ एंड ओनली इफ इट इज बोथ वन वन एंड ऑन टू, ठीक है। तो आई थिंक आपका जो है यहीं पे विराम करते हैं इसको। तो हमने फंक्शंस के बारे में जो भी बेसिक जानकारी थी वो सारी एकत्रित कर ली है, ठीक है, वन वन फंक्शन ऑन टू फंक्शन क्या होती है सब चीज़ें हमने पता कर ली हैं, और ये वन वन ऑन टू फंक्शन जो है कितने मिलते हैं, काउंटिंग क्या है, इस संदर्भ में भी आपको मॉडर्न अलजेब्रा में कराया जाएगा, क्योंकि ये फाइनाइट काउंटिंग वाला काम हम मॉडर्न में ही करते हैं कि अगर ए में एम एलिमेंट है बी में एन एलिमेंट है, हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर फ्रॉम ए टू बी, हाउ मेनी वन वन फंक्शंस आर देयर फ्रॉम ए टू बी, हाउ मेनी ऑन टू फंक्शंस आर देयर फ्रॉम ए टू बी, तो ये चीज़ें हम वहाँ पे करेंगे। तो ये आपका कह दो कि फर्स्ट लेक्चर इज कम्प्लीट। फर्स्ट लेक्चर में हमको बेसिकली आपको ये कंसेप्ट रिवाइज करने थे, व्हाट इज वन वन ऑन टू, व्हाट इज कंपोजिशन, है ना, कुछ एक रिजल्ट्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम जाना चाह रहे हैं, काउंटेबल एंड काउंटेबल सेट्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम फाइनाइट इनफाइनाइट काउंटेबल एंड काउंटेबल कंसेप्ट करेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।